have a very special guest, Mr. Kumar Shivam and Mr. Rajat. Mr. Kumar Shivam is a senior concept artist from Humble Fox Studio, Mumbai. And Mr. Rajat is a professional voiceover artist. Both of them are graduates of Chandigarh University. So on behalf of Veda College, I, Zahara, welcome you. Thanks. So we would like to ask you a few questions. So my first question is, please tell us about your journey in this creative field. It's a very long journey and we enjoyed it a lot. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हुई कि मतलब कि हमने एनिमेशन को अपना लाइफ का एक करियर बनाया. आई वॉज हैविंग अ वेरी लाइक एक स्क्रीन प्ले की तरह है मेरी स्टोरी. मैं बड़े शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा. आई वॉज इन टू एनिमेशन एंड हमने साथ में ही किया एनिमेशन. हमने साथ में एक ही जगह से ग्रेजुएशन किया. बट सर्टनली जैसे जैसे मैं अपने एनिमेशन कर रहा था तो एज हमेशा एनिमेशन के स्टूडेंट को एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. लाइक राइट नाउ यू आर डूइंग योर जॉब एट योर बेस्ट. सो इसी तरीके से मुझे भी ऐसे इंटरेस्ट था. मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हमेशा आने की मुझे एक होड़ रहती थी. तो दैट इंस्पायर्स मी. हाँ तो दैट इंस्पायर्स मी कि मैं अपना लाइक मुझे वो उसमें ज़्यादा मज़ा आने लग गया. तो बाद में मुझे पता लगा कि ये मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. तो बाद में जब जो 3D के मॉडल्स बनाते थे कुछ फ्रेंड्स मेरे, तो मैं उनके पास जाता था कि इसको अगर वॉइस देंगे तो कैसे देंगे, कुछ मतलब और कुछ अलग करने की चाहती. फिर पता लगा कि जब भी कोई 3D या कोई भी एक विजुअल्स बना रहा है तो उसके पीछे ऑडियो या साउंड बहुत ज़रूरी होता है. तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया. एंड देन आफ्टर दैट स्लोली करते करते कुछ साल थिएटर भी किया, उसके बाद इमोशंस को एक्सट्रैक्ट किया. सो प्रोफेशनली राइट नाउ आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. सो दिस वाज़ अ जर्नी इन द ब्रीफ. According to you, what skill sets are required to become a good concept artist and similarly for voiceover artist? Okay, we'll start with the concept artist first. Go on. Concept artist के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर होना होता है. तो इंस्पायर होकर आप डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं. आपको ड्राइंग और डिज़ाइन के रिगार्डिंग चीज़ें पता चलना स्टार्ट होती हैं और आप काफ़ी सारे स्केचेस और टैंक्स हो गए और सिटीज हो गई जो फैंटेसी की चीज़ें होती हैं वो आप बचपन में बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो आगे जाते जाते आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं और उसे शेप में लाना स्टार्ट करते हैं जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को एक सोचने में मजबूर करे कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, होनी चाहिए. आप विजुअल डेवलपमेंट की फील्ड को देख लीजिए. आज के टाइम पर दुनिया की सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग फील्ड है कॉन्सेप्ट आर्ट. एनिमेशन में भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ है. अगर वॉइस ओवर की बात करें तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के लिए एक लाइक आप शक्ल से गिफ्टेड हो सकते हैं, आप अपने पर्सनालिटी से गिफ्टेड हो सकते हैं, बट आवाज़ कभी भी अच्छी या बुरी की श्रेणी में ही नहीं आती. आवाज़ आवाज़ होती है. अगर हम बुरी के तौर पर देखें तो माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ अगर अच्छी या बुरी के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी कितनी फटी हुई आवाज़ है, बट स्टिल कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट वॉइस इन द इंडिया. आज वो जो वॉइस ओवर करते हैं वैसा कोई नहीं कर पाता. लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब वही है कि कोई आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं हो सकती. आवाज़ आवाज़ होती है, इस चीज़ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है. एंड देन उसके बाद आपको इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द मोर यू अंडरस्टैंड अबाउट द इमोशंस द मोर यू कैन मॉड्यूलेट योर वॉइस. What are the career opportunities for students as a concept artist and voiceover artist? There is a lot of opportunities out there. मतलब कि आप Google करेंगे तो आपको 50-60 jobs तो मिल ही जाएंगे concept artist की. तो बच्चों को काफ़ी सोच समझ कर concept art के लिए तैयार होने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले तो मेरा तजुर्बा बोलता है कि मतलब कि सबसे पहले मेंटोर को हमें किसी प्रोफेशनल मेंटोर को अप्रोच करनी चाहिए. तो बिकॉज जॉब में जब आप जाते हैं जॉब में इंडिया में सारा का सारा काम, अब मैं कम स्टूडियोस में एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, लेकिन मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आउटसोर्स ज़्यादा हो रहा है इंडिया में. उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आर्ट काम सारा का सारा बाहर से आ रहा है, वो इंडियन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट से काम नहीं करा रहे. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को किसी मेंटोर के अंडर असिस्ट होकर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए. देखिए वॉइस ओवर में
क्या था क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट? करियर अपॉर्चुनिटीज, राइट. वॉइस ओवर में दो चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. वॉइस ओवर इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डबिंग. ओके, सो वॉइस ओवर्स आर लाइक व्हेन यू आर गिविंग योर वॉइस, अपेरेंटली व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ वीडियो, लाइक आप गाड़ी में चलते चलते अपने रेडियो को प्ले करते हैं, तो रेडियो में जो वॉइस आ रही है उसका कोई ऑडियो, उसका कोई विजुअल्स नहीं है, राइट. तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई विजुअल्स ना हो, वो दैट कैन बी, या मतलब विजुअल्स होते भी है तो रेलिवेंट विजुअल्स ना हो, वो वॉइस ओवर होता है. तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप घर बैठे बैठे भी बन सकते हैं. जैसे मैं अपने घर से ही, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरे पास एक सेटअप है, तो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आया, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ. बट डबिंग के लिए समवे यू हैव टू बी इन द स्टूडियो, क्योंकि डबिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सिंक करना पड़ता है. तो डबिंग के लिए आपको स्टूडियोज़ को ढूंढना पड़ेगा, आपको अप्रोच करनी होगी. लेकिन एज आई हैव लाइक टोल्ड यू बिफोर कि सबसे पहले इमोशंस को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक. आपको अपने आवाज़ पे काम करना होगा, इमोशंस पे काम करना होगा. जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आप इंडस्ट्री में अप्रोच कर सकते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ द वर्क ओवर देयर. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. एक्जेक्टली. ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इंटरैक्टिंग विद आवर कॉलेज स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी नर्वस, बिकॉज मैंने अपने प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में कभी नहीं दी जैसे कि आप दे रहे हैं. तो आई वॉज अ शाई पर्सन, तो बहुत नर्वसनेस थी. लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन हुई तो मेरे को पता चला कि स्टूडेंट्स एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं. क्योंकि वर्कशॉप्स क्या होती हैं कि वर्कशॉप्स लगती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि हाँ भी कोई फैकल्टी बाहर से आ रही है या फिर कोई बंदा आ रहा है, तो वो आ जाते हैं. लेकिन फिर वो हाफ लेक्चर के बाद चले जाते हैं. यही एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहूँगा. अच्छी, बहुत ज़्यादा, इट वाज अ मार्वेलस एक्सपीरियंस, बिकॉज द स्टूडेंट्स ओवर देयर वर रियली वेरी मच पेशेंट एंड बहुत एंथुसियास्टिक हैं सभी लोग. आप सभी लोग, क्योंकि वो जिस तरीके से सारी चीज़ें सुनी उन्होंने, वॉइस ओवर तो बिल्कुल एक अलग सेगमेंट हो गया. साउंड एंड वॉइस ओवर यूजुअली बताया नहीं जाता है, बहुत इसका एक छोटा सा पार्ट है जो कवर किया जाता है एनिमेशन में. बट वो एंथुसियाज्म की वजह से, स्टूडेंट्स के एंथुसियाज्म की वजह से वी वर एबल टू कॉन्सेप्ट आर्ट भी बहुत अपने अलग अलग चीज़ें. हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा हिडन फील्ड है. कहीं ना कहीं ये छुपी चीज़ों को प्रिंसिपल सर को ने ऐसा सोचा, ऋषि सर ने, कि हाँ ऐसे हम लेकर आके. एंड स्टिल जब हम, मैं उनसे मिलने गया था दोपहर में, तो स्टिल ही वो सर्चिंग आउट समथिंग वेरी इनोवेटिव, कि वो यही देख रहे थे कि और किसको हम बुला सकें कि अपने स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें मिले. तो अपार्ट फ्रॉम ये कैरिकुलम और ये सारी असाइनमेंट सबमिशन और ये वो, आपके कॉलेज में कुछ बहुत ही अलग चल रहा है, एंड दैट इज़ रियली वेरी मच लाइक वेरी वेरी गुड. आप लोग कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टूडेंट्स का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था. क्यूरियस है स्टूडेंट्स ये फील्ड्स के बारे में जानने के? हाँ, क्यूरियस थे. यही हुआ कि हमने जब अपने सेमिनार को स्टार्ट किया, उसके बाद जब शिवम सर ने जब गैप दिया, ब्रेक दिया, तो इट्स लाइक वेरी मच ऑब्वियस कि जिसको आना है बाद में वही आएगा. क्योंकि उस पार्ट तक हम काफ़ी बेसिक्स बता चुके थे, अब वो एडवांस वाली चीज़ें शुरू हुई. बट वी वर लाइक वी वर शॉक कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर बैक, वापस आए सीखने के लिए, समझने के लिए. तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स काफ़ी एंथुसियास्टिक है वही. सो दैट वॉज अ वेरी लवली पार्ट. थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेदा.